नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PM के न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय कंपनी पार्ले जी ने इस साल लॉकडाउन में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। जहां पे पिछले साल कंपनी संकट में थी, वहीं इस साल मात्र 2 महीने में लॉकडाउन में पार्ले जी ने 82 साल के रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। महज 5 रुपए में मिलने वाला ये पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए खूब मददगार साबित भी हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 23 मार्च को लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के साथ ही देश में आवाजाही पर ब्रेक लग गया था। बस और ट्रेन सेवाएं बंद थी, लेकिन लॉकडाउन के चंद दिन बाद ही बड़े पैमाने पर लोग घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने बसों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए प्रवासियों को घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराई थी। लेकिन इस बीच बड़े पैमाने पर राहत चलते लोगों की मदद के लिए कुछ लोग सामने भी आए, खासकर खाने पीने की चीजें श्रमिकों को देते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी ने दूसरों की मदद के तौर पर खाया। यही नहीं, इस कोरोना संकट के बीच लोगों ने अपने घरों में भी पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक जमा कर लिया है। यहाँ पे बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई में पार्ले जी की शानदार कारोबार रहा और इस दौरान पार्ले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि पार्ले जी कंपनी ने बिक्री के आंकड़े अभी तक नहीं बताए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले प्रोडक्ट कंपनी के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा है कि कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा है और इसमें से 80-90% ग्रोथ पार्ले जी की सेल से हुई है। वहीं दूसरी कंपनियों की बिस्किट भी बिक्री में इजाफा हुआ है और पार्ले जी 1938 से भारतीयों के बीच एक फेवरेट ब्रांड बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि पिछले साल रिपोर्ट में आई थी जिसमें पार्ले जी की डिमांड घटने की बात कही गई थी, खासकर 5 रुपए वाले पैकेट की बिक्री की घटने की बात हुई थी और उस समय उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्ले जी प्रोडक्ट की मांग में सुस्ती नजर आ रही है और 8 से 10 हजार लोगों की छटनी करनी पड़ सकती है। कंपनी ने सरकार से मदद भी मांगी थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।